औलादे होते हैं तो वो माँ उम्मीद रखती है कि वो राम लक्ष्मण और भरत करा रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि उस माँ के पैदा हुए रावण राम और लक्ष्मण यह है यहाँ के सबसे फेमस इरिटेशन लॉयर। नमस्ते इरिटेशन लॉयर, एक्चुअली मेरा नाम इरिटेशन लॉयर नहीं है, मैं हूँ इमिग्रेशन लॉयर। वो दोनों I love you. Niko. Tring 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 mandi gundelo na. Tring 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 tring. Let's sing 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 sing. तूने उसको लिया ना मैंने उसको लिया, आखिर ये तीसरा कौन है? कहीं वो दिखने में हमारी तरह तो नहीं है? यहाँ पे सब गलत है, मैं ही यहाँ पे सही हूँ। कोई भी अध्याय हो, कोई भी किरदार हो, लेकिन मैं ही सब तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय लव कुश के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जय लव कुश जो कि एक इंडियन तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है के एस रविंद्र ने। इसके मुख्य किरदार में जूनियर एनटीआर, राशि खन्ना और निवेदिता थॉमस है। इस फिल्म में रोनित रॉय अपना डेब्यूट कर रहे हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एज अ विलन। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जूनियर एनटीआर के भाई नंदमुरी कल्याण राम ने। ये फिल्म बन रही है एनटीआर आर्ट्स बैनर के नीचे। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर ट्रिपल रोल निभाते हुए दिखाई दे रहा है। ये फिल्म पिछले साल की टॉप 10 फिल्मों में से एक थी सबसे ज्यादा कमाने के मामले में। जहाँ तक मुझे पता है ये फिल्म करीब करीब 130 करोड़ के आसपास कमाई है। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जूनियर एनटीआर ट्रिपल रोल में दिखाई देते हैं जय लव कुश के कैरेक्टर्स में, जो कि अपने मामा के पास रहते हैं, जहाँ पे मामा एक ड्रामा कंपनी चलाते हैं। और स्टेज परफॉर्मेंस में जहाँ पे लव और कुश बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, वहीं पे जय के हकलाने के कारण अन्य घरेलू कामों में उनको लगा देते हैं। इसी वजह से घर में लव कुश को सबसे ज्यादा प्यार मिलती है, जहाँ पे जय को नौकर चाकर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से जय के मन में एक अलग सी नफरत भर गई अपने भाइयों के लिए और अपने मामा के लिए। तो जय एक दिन लव और कुश ड्रामा करते वक्त स्टेज में आग लगा देते हैं, पर किसी तरह तीनों के तीनों बच जाते। पर तीनों भाइयों को ये नहीं पता कौन बचा है और कौन मरे। अब स्टोरी 20 साल बाद, जहाँ पे तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल में दिखाई देते हैं। कुसा जो कि एक चोर होते हैं, उनका प्लान ये होता है कि एक बड़ा अमाउंट चोरी करके अमेरिका भाग जाएं। इसी वजह से वो एक बार में चोरी किया हुआ पैसा से इमिग्रेशन लॉयर को बुलाते हैं। पर इसी बीच उनको ये पता चलता है कि नोटबंदी हो चुकी है, उस दिन से 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। फिर वो अपने नसीब को जिम्मेदार मानते हैं, पर भाग्य का चक्र वहीं आके अटकता है। एक दिन कुशा लव से मिलते हैं। लव जो कि एक बैंक में बैंक मैनेजर होते हैं, जो कि अपने नियमों को और सिद्धांतों को मानते हुए जीवन जीते हैं, और इसी कारण लव को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। और उन्हें इस बात का डर भी लगा रहता है उनकी जॉब ना चली जाए और उनका प्यार प्रिया, जिसका किरदार राशि खन्ना निभा रही है, ना चली जाए। कुसा के मन में एक जबरदस्त प्लान आता है कि वो लव को अपना प्यार दिला दे, और यही कुसा अपने नोट्स एक्सचेंज कर ले बैंक से गफलेबाजी कर। इसी बीच कुसा इस काम में सफल हो जाते हैं और लव किसी तरह प्रिया को मना लेता है कि वो लव के जिंदगी से ना जाए, और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। पर अचानक से प्रिया का किडनैप हो जाता है और प्रिया के पिताजी पुलिस में कंप्लेन लिखा देते हैं। लव कसम खाता है कि उन्होंने किडनैप नहीं किया है। फिर लव को मैसेज आता है उनके कलीग से कि पुलिस आई है बैंक में घपलेबाजी की वजह से, जिसमें लव नोटों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर लव को याद आता है कि ये काम और किसी का नहीं, कुसा का हो सकता है, क्योंकि ये बात और ये काम कुसा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो कुसा को खोजते खोजते कुसा मिलते हैं पुलिस ऑफिसर के पास, जो कि पहले से ही एक ट्रक में बंद हुए होते हैं, जिनको बैंक में घपलेबाजी के कारण से उन्हें अरेस्ट किया होता है। फिर लव कुसा से पूछते हैं कि क्या उन्होंने प्रिया को किडनैप किया, अगर किडनैप किया तो वो उसे छोड़ दे। पर कुसा बोलते हैं कि उन्होंने किडनैप नहीं किया है। फिर लव सोचते हैं
कि उन्होंने किडनैप नहीं किया, कुसा ने भी नहीं किया, तो कौन कर सकता है। फिर उसी वक्त उनको याद आता है कि उस छोटे समय के एक्सीडेंट के बाद अगर ये दोनों बच सकते हैं तो जय भी बच सकता है, कहीं उन्होंने तो नहीं किया। उनकी सारी छोटे से बड़े होने की कहानी पुलिस को बताते हैं, पर पुलिस एक्चुअली में जय का खासा था। जय जिसने अपना नाम रावण रखा है। फिर पुलिस ऑफिसर जय की पूरी कहानी बताते हैं, जहाँ पे छोटे समय के एक्सीडेंट के बाद जय के साथ क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपने आप को रावण बनाया और कैसे वो सबसे डेंजरस बन गए टाउन में। और अब रावण चाहता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पर उनके गलत कामों की वजह से लोगों के मन में उनके खिलाफ एक नफरत भर गई है, इसी वजह से उनको इन दोनों की मदद चाहिए। तो पुलिस उन दोनों को जय के पास, मतलब रावण के पास लेके चले जाते हैं, जहाँ पे ये पता चलता है एक्चुअली में प्रिया का किडनैप रावण ने ही किया है। यही प्रिया ट्रिपलेट्स देखकर कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे रावण मतलब जय बोलते हैं कि लव अगर उनकी मदद करे इलेक्शन जीतवाने में, और कुशा मदद करे रावण को अपना प्यार मतलब निवेदिता थॉमस को जीतने में, जो कि उन्हें मानना चाहती थी पर रावण को उनसे प्यार हो गया, तो वो उन दोनों को और प्रिया को छोड़ देंगे। यहीं पे दोनों अपने काम में लग जाते हैं। कुशा सिमरन को मतलब निवेदिता थॉमस को सब कुछ सच्चाई बता देती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उससे बचे, कैसे लव कुश प्रिया बचे और सिमरन रावण को मारने में कामयाब हो। सभी अपने काम में लग जाते हैं, पर किसी तरह से इस बात का पता चल जाता है रावण को, और वो लव और कुश के और वो लव और कुश को मारने के लिए जाते हैं, पर लव अचानक से रावण का पैर पकड़ लेता है कि वो ना मारे। अचानक से कॉल आ जाता है रावण को कि वो MLA के इलेक्शंस में सबसे आगे चल रहे हैं, इसी वजह से रावण तीनों को छोड़ देते हैं। इमोशनल सीन्स शुरू हो जाती है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, पर रावण ने तब भी नहीं छोड़ा और उसके गाड़ी के नीचे बम लगा दिया। पर किसी तरह सभी बच जाते हैं और अपने भाई को मनाने आ जाते हैं फिर से रावण के घर में, पर रावण उनके बातों को नहीं सुनते। रावण किसी तरह उन दोनों को वापस भेज देते हैं। यहीं पे रास्ते में सरकार की एंट्री होती है। सरकार जो कि अपना रिवेंज लेना चाहते थे रावण से उनकी हार का, तो उनको लगा ये जुड़वा का मामला है, तो इनमें से कोई एक रावण तो होगा ही, तो वो सोच रहे थे कि उन दोनों को मार दे, किसी एक को छोड़ा तो बाद में वो खतरा बन सकता है, तो वो पहले कुशा को गोली मारते हैं। तो कुशा को गोली लगती है, अल्लाह कुशा कुशा बोल के चिल्लाते हैं। इसी बीच सरकार को लगता है, मतलब रोनित रॉय को लगता है कि वो कुशा है, मतलब ये रावण तो होगा ही, और फिर लव की ओर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं और गोली चलाते हैं। पर इसी बीच यहीं पे रावण की एंट्री होती है, जहाँ पे लव और कुश को बचाने के लिए आते हैं और वो जो गोली चली थी उसके बीच में आ जाते हैं और गोली लगती है रावण को, पर गोली लगने के बाद भी वो सरकार को मार डालते हैं। पर इसी बीच सरकार बहुत सारी गोलियां उन पे मार चुके होते हैं और रावण के हालात को वो दोनों भाई समझते हैं, रावण भी दोनों भाइयों को समझते हैं। उनके बीच की टकराव तो खत्म हो जाती है, पर रावण की जान भी चली जाती है और इसी तरह कहानी खत्म होती है। I love you. तूने उसको लिया ना मैंने उसको लिया, आखिर ये तीसरा कौन है? कहीं वो दिखने में हमारी तरह तो नहीं है? कोई भी अध्याय हो, कोई भी किरदार हो, लेकिन मैं ही सब तैयार। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। यहाँ पे IMDb ने इसे दिया है 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छा है। हालांकि मूवी की कहानी भी बहुत ही अच्छी है। दरअसल NTR ने डबल रोल का किरदार अदा कर चुके हैं, पर यहाँ पे उन्होंने ट्रिपल रोल का किरदार पहली बार अदा किए हैं और वो भी एकदम औसम है। तो दोस्तों मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस मूवी से यार, कि अगर किसी इंसान में कमी है तो हमें उनकी कमी को नाअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जो कि यहाँ पे रावण के साथ हुआ कि उनके घर
घर वाले उनसे एक अलग ही व्यवहार किए जिनके वजह से रावण एकदम बदल गया और वो अपने ही फैमिली से नफरत करने लगा। तो यार दोस्तों इस मूवी में बहुत कुछ सीखने के लायक और बहुत ही खूबसूरत मूवी है, आप सभी को देखनी चाहिए यार। और जहां तक बात है इसकी हिंदी डबिंग के लिए, तो हमें अभी इसके लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ कॉपीराइट से भी किया है, डबिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये एनटीआर की लेटेस्ट मूवी है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा इस मूवी की हिंदी डबिंग के लिए। हो सकता है ये मूवी समर खत्म होते होते या उसके पास ही आ जाए, तो हम सबका इंतजार रहेगा इस मूवी का। तो तब तक के लिए गुड बाय। I love you. Tring 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 mandi gundelo na. Tring 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 tring. Let's sing 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 dance to na.